गाइस दीपराजन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं जा रही हूँ दिल्ली से वृंदावन। वृंदावन मुझे जाना था 2 दिन पहले, लेकिन बागेश्वर धाम की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई, क्योंकि भैया ने मुझे आशीर्वाद के लिए बुलाया था। मैं वहाँ पे गई थी उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उन्होंने वापस मुझे धाम पे बुलाया है कल, इसलिए मैं नहीं जा पाई। लेकिन आज मैंने सोचा कि एक दिन में जाके हम लोग वापस आ सकते हैं दिल्ली से। तो मैं रुकी हुई हूँ अभी JW मैरियट में। मैंने जस्ट अभी मेरी पूजा ख़त्म की और अभी मैं यहाँ से जाऊँगी वृंदावन। वृंदावन में आपके भी दर्शन कराऊँगी। सो आगे आगे देखिए होता है क्या, वहाँ पे संतों के भी आशीर्वाद लेने वाली हूँ। क्योंकि मैं भले ही ऊपर से इतनी मॉडर्न हूँ, लेकिन दिल से मैं सनातनी हूँ पूरी। और सब लोग को पता ही है, जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं उनको पता ही होगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ। और जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है, लाइक मेरे जो भैया है, उनके जो गुरु है वो भी मेरे भी गुरु है। तो उनको भी मैं वृंदावन मिलने वाली हूँ, तो मुझे वहाँ पर बुलाया हुआ है, तो आपके भी दर्शन कराऊंगी वीडियो के थ्रू। वहाँ पे जो क्लीनर्स है वो लोग बोल रहे हैं आपके जैसे गेस्ट तो मैंने कभी नहीं देखे लाइफ में, क्योंकि इतने स्पिरिचुअल हैं आप, पूजा कर रहे हो और वो लोग बेचारे साफ कर रहे थे सब कुछ, और मुझे देख रहे थे कि आप कितने भावभक्ति वाले हो। बाहर के देश में रहने से भी आप इतने ज़्यादा मतलब लाइक भगवान में मानते हो, ऐसे गेस्ट मैंने पहली बार देखे। और हमारे होटल में JW मैरियट में मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ, तो वो लोग बोल रहे हैं कि एवरी डे हम लोग 1 वीक से देख रहे हैं कि लाइक आप बहुत ही ज़्यादा चेंज हो। ऐसे गेस्ट मैंने कभी नहीं देखे हमारे होटल में। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि लाइक मैं किसी को दिखावा करने के लिए ये सब कुछ नहीं करती हूँ, जो मैं रियल में हूँ वो मैं हूँ, और मैं बचपन से हूँ ऐसी। तो ये सब कुछ मुझे मिला है मेरे पापा के थ्रू। मेरे पापा बहुत ज़्यादा भावभक्ति करते हैं, तो उनके सारे गुण मेरे अंदर आए हुए हैं। मैं सेम मेरे पापा जैसी ही हूँ, मेरा नेचर से लेके सब कुछ सेम मेरा पापा जैसा ही है। लाइफ में ना किसी का बुरा नहीं कर सकती, लाइक कोई कुछ कितना भी कुछ बुरा करे मेरा, मैं नहीं कर सकती। लाइक ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं कभी नहीं कर सकती। लाइक इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि लाइक किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं करना चाहिए। जितना भी हो सके स्प्रेड लव, लव हमेशा स्प्रेड करना चाहिए, किसी को हैप्पीनेस देनी चाहिए। मेरा तो यही काम है कि मैं हमेशा सबको खुश रखती हूँ, चाहे जो भी हो, या वर्कर्स हो, या मेरे कोई भी लोग हो, या मेरी फैमिली हो, या कोई भी हो, मैं हमेशा डाउन टू अर्थ रहती हूँ। लेकिन हाँ, मेरी ज़बान बहुत ही कड़वी है, अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ। लेकिन मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ी देर के बाद मेरा सब कुछ ऐसे दिल में से निकल जाता है कि चलो छोड़ो, इट्स ओके फाइन। और मैं कैसे जीती हूँ, मैं हमेशा एवरी डे मेरा न्यू डे होता है। मैं पास्ट का सब कुछ भूल जाती हूँ कि किसने मेरे साथ क्या किया या क्या बोला, आई डोंट केयर। मैं एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से निकाल देती हूँ। मेरा ये नियम है लाइफ का, नया दिन नई लाइफ। मैं फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती, मैं पास्ट के बारे में नहीं सोचती, मैं पास्ट सब कुछ भूल जाते हूँ, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचती हूँ। इसलिए मैं इतनी सक्सेस हूँ, मैं इतनी ज़्यादा अच्छे से रह रही हूँ लाइफ में। हाय, नमस्ते, आप भी आ जाओ। हम लोग जा रहे हैं वृंदावन, फाइनल हम लोग निकल चुके हैं। अभी बचे हैं 3, बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ मैं।
अच्छे हुए कि मंदिर बंद हो चुका था, तो भी मुझे अंदर वीआईपी दर्शन हुए क्योंकि मेरा यहाँ पे सेटिंग था पूरा, और यहाँ के जितने भी लोग हैं मुझे बहुत ही अच्छे से जानते हैं। हम लोग है अभी इंद्रेश भैया जी के घर पे वृंदावन में। मैं ना अपने फोन के ग्लास बहुत ज्यादा तोड़ती हूँ तो हमेशा मेरे प्रूफ हो जाते हैं, तो वैसे भी टूटा हुआ ग्लास नहीं रख सकते इसलिए मैं चेंज कराई हूँ यहाँ पे। तो दर्शन हो गए, मैं आ गई हूँ अभी होटल के। मुझे बाल्के बिहारी जी के वहाँ से ये राधे जी का दुपट्टा मिला है, कृष्ण जी की माला मिली है, 56 भोग का प्रसाद मिला है, और इससे मैं स्वागत किया था। दैट्स इट। 8:30 बजे वृंदावन बंद हो जाता है, लाइक मंदिर बंद हो जाता है, तो भी मेरा फुल सेटिंग था वहाँ पे, इसलिए मुझे राधे मैया को जो ये पहनाया हुआ था दुपट्टा वो मुझे पहना है। मुझे इतना अच्छा सम्मान किया वहाँ पे। 8:30 बजे मैं अंदर गई, मंदिर बंद होने के बाद मेरी पूजा करवाई वहाँ पे अंदर, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वृंदावन की ट्रिप मेरी बहुत ही अच्छी थी। मेरे गुरुजी के भी दर्शन हो गए, जगत गुरुजी जो नरेंद्र मोदी जी के भी गुरु है और धीरेन्द्र भैया के भी गुरु है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल बटन फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। सो बाय, सी यू, गुड नाइट, टेक केयर, जय माता जी।